सोलन में अनौपचारिक बैठक में नालागढ़ के विधायक लखविंदर राणा ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए। उन्होंने कहा कि बीवीएएन क्षेत्र में लगातार प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन प्रदूषण विभाग यहां कोई सख्त कार्यवाही नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से यहां चल रहे उद्योग अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से स्थानीय जनता काफी परेशान है। बद्दी दिन प्रतिदिन बद्दी होती जा रही है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उसके बावजूद भी कोई ठोस कार्यवाही करता दिखाई नहीं दे रहा है, जिसका खामियाजा स्थानीय जनता को अपना स्वास्थ्य दांव पर लगाकर भुगतना पड़ रहा है। नालागढ़ के विधायक लखविंदर राणा ने कहा कि प्रदूषण का असर पहले तो आम जनता को भुगतना पड़ रहा था, लेकिन अब प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि पानी के अंदर रह रहे जीवों पर भी इसका असर दिख रहा है, जिसके चलते सरसा नदी में लाखों मछलियां मर रही हैं। इससे पहले भी नदियों में प्रदूषित वेस्ट उद्योगों द्वारा फेंका जाता था, लेकिन विभाग द्वारा कार्यवाही के नाम पर औपचारिकताएं की जा रही हैं। यही वजह है कि स्थानीय उद्योग मनमानी कर रहे हैं और सरेआम नियमों की उल्लंघना कर प्रदूषण फैलाने में लगी है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्हें प्रदूषण बोर्ड का कोई डर नहीं है। हमारे बीपीएनडीए में बहुत उद्योग वहां पर लगे हुए हैं, लेकिन हमें भी बड़ी हैरानी होती है कि वहां पर जो हमारा सरसा नदी है, उसके अलावा अन्य नदियां भी हैं जिसका पानी जो है लोग भी गर्मियों में पीते थे, हमारे पशु भी जो है वहाँ पर जो है उसका पानी पीते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सरसा नदी में तथा बीबीएनडी में जो अन्य नदियाँ हैं उनमें जो हमारी मछलियाँ हैं दिन प्रतिदिन जो है मरती जा रही हैं। मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे ये हमारे जो प्रदूषण के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उनको भी कई बार इस बात को लेकर जो है हमने अवगत कराया, प्रशासन को भी हमने अवगत करवाया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और हमारा पोल्यूशन का डिपार्टमेंट है, उनको जो ये उद्योग जो अपना पानी गंदा जो है इस जो हमारे स्वच्छ नदी नाले उसमें डालते हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि पीछे भी एक हमारी सारा टेक्सटाइल कंपनी है, वो रात को जो है पानी जो है जब बरसात आएगी तो बिल्कुल ब्लैक काला पानी जो है वो रात को छोड़ देते हैं, वो पानी जो है नदियों में चला जाता है। जब नदियों में पानी चला जाता है, जो वहाँ पर जीव जंतु जो नदियों में हमारे मछलियाँ और भी जो हमारे जीव है पानी के वहाँ पर रहते हैं, तो उनको सबको जो है नुकसान करते हैं, वो जो बेचारे मर जाते हैं। लेकिन वो खबर भी बड़ी लाइव हुई और चली, लेकिन उसके बावजूद भी जो सारा टेक्सटाइल कंपनी है तथा अन्य और कंपनियाँ भी हैं जो ऐसा हमारे कानून की उल्लंघना कर रही है प्रदूषण विभाग को जो है उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जब आवाज़ चाहे प्रिंट मीडिया है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके माध्यम से पूरी बात उजागर हो जाती है, तो जो विभाग है पोल्यूशन विभाग है या हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके के ऊपर जाते हैं, वो मौके का मुआयना करते हैं, मुआयना करने के बाद वो इंडस्ट्री में जाएँ और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें लगता है, कुछ ना कुछ तो जरूर कुछ है, तभी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही।